एक्सट्रीमली सॉरी। देखिए ये तो हमारी ड्यूटी है, कत्ल हुआ है तो कातिल को सामने तो आना ही चाहिए। पता नहीं किसने किया होगा ये सब। देखिए दवाओं से ये साबित तो हो चुका है कि कातिल आपके घर का ही है। वैसे आपको किस पे शक है जी? इस बारे में मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन एक बात है, इनकी मौत के बाद से ही कागज गायब है। कागज? कैसा कागज? जैसा कि आप जानते ही होंगे कि पूर्वा इनकी मुंह बोली बहन थी। पूर्वा से बहुत प्यार करते थे ये, और एक दिन बातों ही बातों में इन्होंने अपनी 80% जायदाद पूर्वा के नाम कर दी थी। मैंने अपनी पूरी जायदाद का 80% तेरे नाम लिखवा कर और पूरा कोर्ट में रजिस्टर्ड करवा रखा है, और आज उसे मैं घर लेकर आया हूँ। देखिए ये, देखिए रख, ये ले। अब तुम पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो। नहीं भैया, मुझे कोई भी जायदाद नहीं चाहिए। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे यहीं रहना है आपके पास, और ये आप ही रखिए। और बस वही कागज मेरी अलमारी में रहता था, वही गायब है। पूर्वा? तो इसका मतलब पूर्वा। खैर वैसे ये प्रदीप कैसा आदमी है, कहीं इन्होंने? नहीं नहीं, प्रदीप जी तो बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर वो ना होते तो ना जाने हमारा क्या होता। उन्होंने तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल रखी हैं। मतलब आपका शक पूर्वा पर ही है? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मुझे जो इंडिकेशन मिले वो मैंने आपको बता दी। और रघु? जी रघु तो हमारे यहाँ कई सालों से काम कर रहा है, और कभी कोई शिकायत भी नहीं मिली। लेकिन कब कौन कैसे बदल जाए कुछ कहा भी तो नहीं जा सकता ना। हाँ तो वसुंधरा जी, शम्मी साहब का बिजनेस कैसे चल रहा था? जी बिजनेस तो बहुत ही अच्छा चल रहा था, उसी के सिलसिले में वो बाहर जाने वाले थे। नींद की दवा अक्सर आप ही दिया करती थी क्या उन्हें? जी, लेकिन इनसे मेरा कई बार झगड़ा भी हो जाया करता था। मैं दवा लेने के लिए मना करती थी और ये मानते ही नहीं थे। काश वो आपकी बात मान लेते। हाँ तो दवा लेने के लिए आप ही जाती थी क्या? जी नहीं, पूर्वा ही जाती थी या ये ही ले आती थी। वसुंधरा जी, ये दवा की बोतल वही है जो शमी जी लिया करते थे? जी वही बोतल है ये। ठीक है, इसे हम एज ए क्लू अपने पास रख लेते हैं। चले जाओ। Thank you.